मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे अब नए चेहरे। दलित ओबीसी को रखा जाएगा विशेष ध्यान। कैबिनेट में घट सकती है यूपी की हिस्सेदारी। 7 मंत्री चुनाव हारे, नए चेहरों को दिया जाएगा मौका। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल कैसा होगा, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। नजरें इस पर भी हैं कि उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी एनडीए कोटे से किन लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह मिलेगी और किन की छुट्टी हो जाएगी। नई कैबिनेट गठन में ब्राह्मण, दलित, ओबीसी को साधने की भी कोशिश की जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोदी 3.0 कैबिनेट में यूपी से कौन कौन से चेहरे मंत्री बन सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 2019 में सहयोगी दल के साथ मिलकर बीजेपी ने यूपी से 64 लोकसभा सीटें जीती थी। इसी वजह से केंद्रीय मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देते हुए प्रधानमंत्री समेत 14 मंत्री बनाए गए थे, जबकि इस बार का ये आंकड़ा 36 पर ही सिमट कर रह गया है। ऐसे में ये तय माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश से मंत्रियों की संख्या कम होगी। वहीं यूपी में बीजेपी के 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं। कई नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में करारी शिकस्त मिली है, बल्कि उनमें से कई के प्रति रिपोर्ट्स भी अच्छी नहीं मिली हैं। जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा राजनाथ सिंह, एसपी सिंह बघेल, पंकज चौधरी चुनकर सांसद पहुंचे हैं। अगर साल 2019 से तुलना की जाए तो यूपी ने दिल्ली में मोदी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। खास बात तो ये है कि जो मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए हैं, उनकी जगह उनकी जाति के दूसरे सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है। आपको बता दें कि राजनीतिक नजरिए से उत्तर प्रदेश की कई जातियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में जातीय समीकरण बनाने के लिए पुराने मंत्रियों की जगह उनकी ही जाति के नए चेहरों को जगह दी जा सकती है। मोदी के दूसरे कार्यकाल में महेंद्रनाथ पांडे, अजय मिश्र टेनी ब्राह्मण चेहरे थे। अखिलेश यादव के पीडीए नारे और लोकसभा चुनाव की जीत में दलित प्रत्याशियों की भी अहम भूमिका को देखते हुए यूपी से कम 2 दलित समुदाय के मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बीएसपी का वेस्ट वोट समाजवादी पार्टी में शिफ्ट होने के संकेत मिले थे। वहीं इस बार यूपी में चर्चा में रहे ओबीसी फैक्टर का चुनाव पर असर पड़ा है। इसका ध्यान भी मोदी 3.0 सरकार बनाते समय रखना होगा। वहीं भोला सिंह, पंकज चौधरी, छत्रपाल गंगवार में से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। कुर्मी वोटरों की इस बार महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए आगे उनको संदेश देने की कोशिश की जा सकती है। इसके लिए पंकज चौधरी को मंत्री बनाया जा सकता है।